हाँ, ये जो आपने अभी इंट्रो में फोटो देखी है ना, यही आज हम एडिट करने वाले हैं। तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग GTA की जो इंट्रो में फोटोज दिखती है हमें, जो कैरेक्टर की फोटोज होती है, उन फोटोज को हम अपने तरीके से अपने आप की फोटो लगा के कैसे एडिट कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये पूरी की पूरी वीडियो मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो इंस्टाग्राम है उस पर मैंने बहुत सारी फोटोज़ ऐसी देखी हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही है, जहाँ पे लोग GTA 5 का जो लोगो होता है उसको लगा के पीछे पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज करके उसके आगे अपनी फोटो लगा के आजकल इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं वैसी ही फोटो पोस्ट करना, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो मेरा नाम है सुरजीत, अगर आपको मेरी वीडियो रिकमेंड हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे लोग पबजी के दीवाने हैं, वैसे ही एक टाइम पे GTA के भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दीवाने हुआ करते थे। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग GTA के जो इंट्रो होते हैं उसमें जो आपको कैरेक्टर की फ़ोटो दिखती है, वो फ़ोटो पूरी की पूरी प्रॉपरली कैसे आप लोग अपनी फ़ोटो लगा के उसको एडिट कर सकते हैं, और वो भी बहुत ईजिली। तो अब अपने फ़ोन उठा लीजिए, मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन में पिक्सआर्ट ओपन कर लेता हूँ, और अगर आपके पास पिक्सआर्ट नहीं है तो आप इसको इजीली एंड्रॉयड प्ले स्टोर से या फिर एप्पल के iOS स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद हम यहाँ पे प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद साइड में एक सर्च का नॉच होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर हम डालेंगे GTA या फिर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। तो मैं वहाँ पर डालता हूँ ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, और यहाँ पे GTA से रिलेटेड बहुत सारी फोटोज़ आपको मिल जाएंगी, जो GTA में कंट्रीज या फिर सिटीज़ यूज़ होती हैं वैसी ही आपको फोटोज़ मिल जाएंगी। आप सीधे यहाँ पे अनस्प्लैश पे ओपन कीजिए और वहाँ पे आपको फुल HD फोटोज़ मिलेंगी। वहाँ से आप कोई सी भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा ये वाली फ़ोटो, आपको दिख रही होगी ये वाली फ़ोटो, बहुत ही अच्छी लग रही है, एक अच्छी सी सिटी है यहाँ पे, मुझे पता नहीं कौन सी सिटी है। उसके बाद अब हम जाएंगे ऐड फ़ोटो पे, और वहाँ से मैं अपनी फ़ोटो ऐड करूँगा। तो जो मेरी फ़ोटो है, मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ऑलरेडी क्लिक कर रखी थी, उसमें से मैं एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। तो ये वाली फ़ोटो मैं ऐड करता हूँ, और उसके बाद इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ क्योंकि साइड में जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इसको क्रॉप करने के बाद अब हम एंड पे जाएंगे, और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक फ्री का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप पर्सन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो होगी वो क्रॉप हो जाएगी, बैकग्राउंड पूरा हट जाएगा उसका। और साइड में अगर हल्की सी बाउंड्री आ रही होगी तो उसका मतलब इतना ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा क्योंकि वो इतनी ज़रूरी नहीं है, उसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। और उसके बाद आप उस फोटो के आगे अपनी फ़ोटो लगा दीजिए। अभी मुझे पता है ये फ़ोटो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक या फिर फेक लग रही होगी क्योंकि इसके कलर्स थोड़े से डिफरेंट हो रखे हैं, पीछे वाले के और आगे वाले के डिफरेंट हो रखे हैं। पर इसके ऊपर हम एक और फिल्टर की लेयर लगाने वाले हैं। इसको टिक करने के बाद अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे FX इफेक्ट्स पे, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मैजिक पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग फिल्टर्स मिलेंगे जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और यहाँ पे हम स्लाइड करेंगे, और यहाँ पे आपको एक है यहाँ पे पो करके, POW करके, पर ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे और है उसको चूज़ करते हैं। तो इसका नाम है नियो पॉप, ये एक ऑरेंज कलर का फिल्टर है, और ये GTA के जो इंट्रो में फ़ोटो होती है वैसा ही लग रहा है, इसका इफेक्ट वैसा ही लग रहा है। और अब हम इसको हल्का सा फेड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा फेडी हो जाए और हमारा जो चेहरा है वो प्रॉपरली ग्लो हो और अच्छा सा दिखे। तो फेड करने के बाद अब आप साइड में जाके इसको टिक कर सकते हैं, और टिक करने के बाद अब आपको जाना पड़ेगा टूल्स पे क्योंकि हम साइड से थोड़ा सा इसको ब्लर करने वाले हैं फ़ोटो को, क्योंकि ब्लर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइड में हम GTA का लोगो लगाने वाले हैं। तो इसको ब्लर करते हैं, अमाउंट को हल्का सा कम कर देते हैं ताकि पीछे की फ़ोटो भी हल्की सी हमें दिख जाए। और इसको प्रॉपरली सेट करने के बाद आप साइड में जाके टिक कर सकते हैं इसको, और आपकी जो फ़ोटो होगी वो साइड से ब्लर हो चुकी होगी। उसके बाद अब आपको जाना है स्टिकर्स पे। स्टिकर्स पे जाने के बाद आपको दोबारा से सर्च करना है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो या फिर GTA भी डाल सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिलेंगे, GTA के लोगोज़ मिल जाएंगे। उस लोगो को आप राइट कॉर्नर पे लगा दीजिए, नीचे वाले कॉर्नर पे लगा दीजिए, इजीली लग जाएगा वो बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्रॉपरली ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। तो यहाँ पे हमारा लोगो जो है वो लग चुका है, अब इसको हम टिक करते हैं, और इसके बाद हम दोबारा से स्टिकर्स पे जाएंगे और वहाँ से एक और स्टिकर चूज़ करेंगे जिसका नाम है, जिसमें बना है मिशन पास्ट और लिखा है रिस्पेक्ट प्लस 99। तो ये GTA में जो मिशन होते थे उसके हिसाब से स्टिकर इन्होंने दे रखा है हमें, तो वो भी हम कॉर्नर पे लगा देते हैं ऊपर। तो ये लगाने के बाद आपकी जो फ़ोटो होगी वो एकदम बन चुकी है प्रॉपरली। तो ऐसी ही फ़ोटो बिल्कुल सेम लगती है जब GTA का इंट्रो आता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि ये फ़ोटो कैसी लग रही है। हर एक चीज़ इसमें HD है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो लोगो है वो भी HD, और ऊपर जो चीज़ें बनी है वो सारी की सारी HD है, और प्रॉपर आपकी फ़ोटो बन चुकी है। तो क्यों आया ना मज़ा फ़ोटो को एडिट करने में? तो ऐसी ही कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी फ़ोटो भी एडिट कर सकते हैं और उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है ये फ़ोटो, पता नहीं क्यों ट्रेंड में। वैसे एक स्टिकर भी लॉन्च कर रखा है GTA San Andreas का इंस्टाग्राम की रील्स ने,
तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फोटो को भी आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसी इजी अगर एड्स आपको चाहिए मेरे चैनल के थ्रू, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या, हैव अ ग्रेट डे।